तो दोस्तों मूवी की शुरुआत होती है आदम से, जो कि सुबह उठकर अपने बेड पर बैठा हुआ था और ये सोच रहा था कि कैसे उसके डैड के लौटने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई है। और अब तो आदम के पास अपने डैड के जैसे सुपर पावर्स भी थी, जैसे कि बहुत तेज भागना, पावर ऑफ फीलिंग और एनिमल से बातें करना। अब तो आदम के दोस्त स्क्रेपन, वेबल और स्टीव इनके साथ इनके घर में ही रहा करते थे। इसके बाद सीन को एक न्यूज रूम की ओर शिफ्ट किया जाता है, जहाँ हमें ये दिखाया जाता है कि बिगफुट अपने इंटरव्यू में सारी बातें बता रहा होता है कि कैसे एक कंपनी वालों ने उसके रिसर्च का गलत फायदा उठाना चाहा। इसके बाद बिगफुट ये भी कहता है कि कैसे उसने और आदम ने मिलकर उन गुंडों के मिशन को नाकामयाब कर दिया। साथ ही बिगफुट कहता है कि वो दुनिया में होने वाले गलत कामों को रोकना चाहता है। इसके बाद सीन को आदम की ओर दिखाया जाता है, जो काफी परेशान होता है। जब उसकी मॉम उसे परेशान होने का वजह पूछती है, तब आदम कहता है कि अब तो डैड इतने फेमस हो गए हैं कि उनके पास हमारे लिए वक्त ही नहीं है, यहाँ तक कि स्कूल में बच्चे मुझे बिगफुट का ऑटोग्राफ लाने के लिए बोलते हैं। आदम अपने डैड से ऑटोग्राफ लेते लेते थक चुका था और अब तो स्कूल में ये सब देखकर आदम भागने लगता है, जिसके बाद वो एक डस्टबिन के ऊपर गिर जाता है, जहां वो अपने सामने एमा को देखता है। एमा को देखकर वो समा जाता है, क्योंकि वो एमा को बहुत पसंद करता है। इसके बाद आदम वहां से निकलकर घर पहुंच, घर का डोर ओपन करने पर वो अपने डैड के इतने सारे पोस्टर देखकर हैरान हो जाता है। जब वो उन पोस्टर को साइड करते हुए अंदर जाता है, तब उसे वहां एक एजेंट दिखता है, जो कि आदम से कहता है कि मेरे पास बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, हम इन कॉन्ट्रैक्ट्स की मदद से बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। वहीं बिगफुट भी सोफे पे बैठा हुआ था, जो एजेंट की बातें सुनकर साफ साफ इनकार कर देता है और कहता है कि मुझे ऐसा कुछ करना है जिससे सबका भला हो। इसके बाद बिगफुट उस असिस्टेंट को एनजीओ का कार्ड देता है, लेकिन एजेंट उस कार्ड को फाड़ देता है, जिसके बाद बिगफुट को बहुत गुस्सा आता है और वो एजेंट को अपने घर से बाहर निकाल देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बिगफुट उस लेटर को फिर से जॉइन करता है और दिखता है कि उसमें पाम और सांस ने ये लिखा था कि कैसे एक ऑयल कंपनी की वजह से एनवायरनमेंट खराब हो रही है। इसी लेटर के जरिए वो बिगफुट से रिक्वेस्ट करता है कि बिगफुट कुछ ऐसा करे कि वो ऑयल कंपनी हमेशा के लिए बंद हो जाए। बिगफुट इस रिक्वेस्ट के लिए राजी हो जाता है और अलास्का जाने के लिए अपना मन बना लेता है, क्योंकि वो हमेशा से कुछ ऐसा करना चाह रहा। लेकिन ये सारी बात आदम को पसंद नहीं आती और वो गुस्से से अपना रूम में चला जाता है। इसके बाद सीन को अलास्का की ओर दिखाया जाता है, जहां बिगफुट एक प्राइवेट जेट की मदद से वहां पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर बिगफुट नेचर की ब्यूटी देखकर बहुत खुश होता है। इसके बाद बिगफुट अपना कैमरा निकालकर ब्लॉग शूट करने लगता है और अपने ब्लॉग में बताता है कि कैसे अलास्का पहले एक माइनिंग टाउन हुआ करता था। इसके बाद बिगफुट टैक्सी लेकर उस एड्रेस पर पहुंच जाता है, जहां उसे पाम और सांस मिलते हैं। दोनों उस कंपनी के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे और बिगफुट को देखकर सीधा उसके पास आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि हम यहां पर सुबह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई भी हमारी बात नहीं सुन रहा। इसके बाद बिगफुट ये देखकर हैरान होता है कि सिर्फ ये दोनों ही थे जो कि वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसके बाद दोनों बिगफुट से कहते हैं कि हम दोनों से कुछ नहीं हो, हमें अपनी स्पिरिट इंक्रीज करनी चाहिए। इस कंपनी की सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा टाइट है और यहाँ पर इतने ड्रोन्स हैं जो कि हर डायरेक्शन में अपनी नजर गड़े हुए हैं। हम दोनों इस हेवी सिक्योरिटी के सामने कुछ भी नहीं कर सकते। तभी वहाँ पर कार्लो आता है, जिसे देखकर बिगफुट पूछता है कि आप कौन हो। तो पाम कहती है कि ये यहाँ का लोकल है जो कि प्रोटेस्ट की मदद करते हैं। इसके बाद बिगफुट फिर से अपना कैमरा ऑन करके ब्लॉग शूट करने लगता है और लोगों तक ये खबर पहुंचाता है कि आखिर वहाँ क्या हो रहा है। इसके बाद सीन को आदम की ओर दिखाया जाता है, जो अपने डैड का ब्लॉगिंग वीडियो देख रहा होता है, जिसमें सिर्फ 14 व्यूज थे। जिसके बाद आदम अपने दोस्त स्क्रैपर से कहता है कि इतने से व्यूज से कुछ भी नहीं होने वाला। तभी स्क्रैपर आदम से कहता है कि तुम्हें अपने डैड की मदद करनी चाहिए। आदम स्क्रैपर की बातों को सुनते हुए अपने डैड की ब्लॉगिंग वीडियो को एडिट करता है और फिर से अपलोड करता है, जिसके बाद वो वीडियो वायरल हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग उस ब्लॉगिंग वीडियो से इतना इंस्पायर हो जाता है कि बिगफुट को प्रोटेस्ट में ज्वाइन करने लगते हैं। यहाँ तक बिगफुट का प्रोटेस्ट न्यूज में लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा होता है। इसके बाद सीन को ऑयल कंपनी के ओनर की ओर दिखाया जाता है, जहाँ ओनर प्रोटेस्ट के रिस्पांस में कहता है कि उनका ऑयल निकालने का तरीका बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। लेकिन ये बात है बिगफुट को हजम नहीं है और रात को बिगफुट अपने बायनाकुलर्स की मदद से चारों ओर देख रहा था और वो लोकल आदमी भी उसके साथ इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। इसके बाद बिगफुट उस लोकल आदमी से कहता है कि अगर कंपनी के ओनर ने ये कहा है कि उनका ऑयल निकालने का तरीका नेचुरल है, जिससे कि नेचर को कोई भी हार्म नहीं होती है, फिर ये सिक्योरिटी का मामला क्या है? तभी वो लोकल आदमी बिगफुट से कहता है कि दाल में कुछ तो काला है।
बिगफुट कहता है कि नहीं दोस्त, पूरी की पूरी डाल ही काली है। मिडनाइट को बिगफुट कैमरा से बचकर ब्रिज पार करके दूसरी तरफ पहुंच जाता है, जहां वो अपना कैमरा निकालकर शूटिंग करने लगे। इसी बीच उसे कोई किडनैप करके ले जाता है। अगले दिन न्यूज में ये हेडलाइंस आती है कि बिगफुट गायब हो गया है। एडम और उसकी फैमिली ये न्यूज देखकर घबरा जाते हैं। जब न्यूज में ये बताया जाता है कि शायद बिगफुट को कोई वुल्फ ले गया होगा, तभी एडम अपने मॉम से कहता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि डैड को कोई वुल्फ ले जाए, क्योंकि डैड तो एनिमल से बात कर सकते। न्यूज देखने के तुरंत बाद एडम अपने मॉम विल्बर और स्क्रैपल के साथ अलास्का के लिए निकल जाता है। एक लंबी जर्नी के बाद ये सब अलास्का पहुंच जाते हैं। सब वही माइन वैली जाते हैं, जहां उन्हें वही लोकल आदमी मिलता है, जो कि एडम और उसके मॉम से कहता है कि बिगफुट के मिसिंग होने पर सभी प्रोटेस्टर्स यहां से चले गए हैं। यहां पर सेली यानी कि एडम की मॉम उस लोकल से कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड यानी कि बिगफुट को ढूंढने में मेरी मदद करो। इसके बाद एडम को विल्बर और स्क्रैपल के साथ छोड़कर सेली उस लोकल के साथ बिगफुट को ढूंढने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद एडम के बयान के पास कुछ लोग आते हैं, जो कि उसे पकड़ने के लिए आए, लेकिन विल्बर और स्क्रैपल किसी तरीके से उन लोगों को डरा देते हैं और एडम को वहां से भगा देते हैं। एडम तो भाग जाता है, लेकिन स्क्रैपल और विल्बर डांट लगने की वजह से वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद सीन को एडम की ओर शिफ्ट किया जाता है, जो कि अपने फुल पावर से भाग जाता है और माउंटेन से नीचे गिर जाता है। उन गुंडों को लगता है कि एडम ऊपर से गिरने के बाद मर गया, लेकिन एडम नीचे गिरते हुए ट्री के ट्रंक को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो जमीन पर आ जाता है और कुछ दूर चलने के बाद उसे एक केव दिखाई देती है। जब वो उस केव में जाता है, तब उसका सामना एक वुल्फ से होता है। वुल्फ एडम से कहता है कि ये जगह इंसानों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ऑयल कंपनी ने पहले ही इस जगह को तबाह कर दिया है। वुल्फ की ये बात सुनकर एडम कहता है कि मैं बाकी इंसानों के जैसा नहीं हूँ और तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। इसके बाद वुल्फ और एडम बातें करते हैं, जहाँ एडम अपने डैड के बारे में वुल्फ से कह रहा था कि कैसे वो अपने डैड को ढूंढने के लिए अलास्का आया है। एडम की बातें सुनकर वुल्फ कहता है कि मैं तुम्हें एक ऐसी जगह लेकर जाऊंगा जहाँ से तुम अपने डैड को ढूंढ सकते हो। सीन को एक ऊंची पहाड़ की ओर शिफ्ट किया जाता है, जहाँ एडम देखता है कि कैसे माइनिंग वालों ने ट्रीज को काट दिया है और ऑयलिंग कर रहे हैं। ट्रीज को काटने की वजह से एनिमल्स का घर टूट रहा था और छोटे छोटे एनिमल्स को बहुत परेशानी हो रही थी। एडम ये सारी चीजें अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करता है और शूट करते करते उसकी नजर फैक्ट्री पर पड़ती है, जिसके बाद एडम श्योर हो जाता है कि उसके डैड उसी फैक्ट्री में होंगे। एडम किसी तरीके से छुपकर उस फैक्ट्री में चला जाता है। वहां पहुंचने के बाद उसे एक रूम में फैक्ट्री के वर्कर्स की यूनिफॉर्म मिलती है। एडम तुरंत ही एक यूनिफॉर्म को पहन लेता है और अंदर चला जाता है और उसे मैंडेट, जो कि कंपनी का ओनर होता है, उसे नजर आ जाता है। इसके बाद एडम मैंडेट का पीछा करते हुए जाता है, जहां उसे रियल प्लान के बारे में पता चलता है। मैंडेट का मास्टर प्लान ये था कि वो जंगलों में बड़ा सा ब्लास्ट करेगा, जिसके बाद वो पूरी वैली को ऑयल से भर देगा। इसके बाद मैंडेट का साइंटिस्ट कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंडेट कहता है कि बिगफुट के जाने के बाद अब यहां पर किसी का भी ध्यान नहीं जाएगा, जिस वजह से हम अपने मास्टर प्लान को कामयाब कर सकते हैं। एडम भी ये सारी बातें अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेता है, लेकिन उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आने की वजह से मैंडेट का ध्यान एडम पर चला जाता है। इसके पहले कि मैंडेट उसे कुछ भी कर सके, एडम वहां से भाग जाता है। वहां से बचकर निकल जाने के बाद एडम को वही लोकल आदमी मिलता है, जो कि एडम से कहता है कि मुझे तुम्हारी मॉम ने यहां भेजा है। वो लोकल आदमी एडम को अपनी बातों में उलझाकर उसे बांध देता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो लोकल जिसका नाम कार्लो है, वो तो पहले से ही मैंडेट के लिए काम करता है। कार्लो सिर्फ अच्छा होने का दिखावा कर रहा था, वो प्रोटेस्टर के साथ इसलिए था ताकि हर एक खबर कलेक्ट करके मैंडेट तक पहुंचा सके। इसके बाद स्क्रैपल और वेल्वर की ओर दिखाया जाता है, जिनकी आग खुलने के बाद उन्हें सबसे पहले एडम का ख्याल आता है। इसके बाद स्क्रैपल व्यान को उड़ाते हुए और ब्रिज के गेट को तोड़ते हुए फैक्ट्री के अंदर चला जाता है, लेकिन व्यान को इतनी तेजी से उड़ाने की वजह से उनका व्यान क्रैश हो जाता है। दूसरी तरफ मार्लो एडम को पकड़ कर मैंडेट के पास ले जाता है, जिसके बाद एडम मैंडेट से कहता है कि तुम ये सब काम रोक दो, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से एनिमल्स को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है और एनवायरमेंट भी खराब हो रहा है। लेकिन मैंडेट तो अलग ही फायरिंग कर रहा था। वो एडम से कहता है कि मुझे बहुत सारे पैसे कमाने और इसीलिए मैं ये सब कर रहा हूँ, तुम होते कौन हो जो कि मुझे ये सब करने से रोक रहे हो। इसके बाद एडम अपने मॉम डैड के बारे में पूछता है, तब मैंडेट उसे गड्ढे में धक्का दे देता है और उस पर एक कार्ड फेंक देता है ताकि वो उस गड्ढे से बाहर ना निकल सके। कुछ देर बाद जब सभी वहां से चले जाते हैं, तब एडम किसी तरीके
धमाके से उस कार से खुद को बचा लेता है, लेकिन देखता है कि वहाँ पर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। इसके बाद एडम वहाँ गड्ढे में अपना फोन निकालकर वीडियो शूट करके उसे अपलोड करता है, जिसमें उसने ये मैसेज दिया होता है कि अगर कोई भी ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज ये न्यूज किसी तरीके से पुलिस तक पहुँचा दो। साथ ही वो इमा को एक मैसेज भेजता है और ये बोलता है कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन हिम्मत ना होने की वजह से उसे कभी भी नहीं बता पाया। एक कार नीचे गिरती है जिसके बाद फ्लोर टूट जाता है। एडम देखता है कि फ्लोर में एक टनल है। अंदर जाने के बाद उसे एक स्केलेटन दिखता है, इसे देखकर वो डर जाता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद उसे अपनी मॉम दिखाई देती है। वो अपने मॉम को देखकर गले लगा लेता है और उन्हें सारी बातें बताता है। एडम की मॉम उसे बताते हैं कि कैसे उसे यहाँ कुछ लोगों ने टनल में बंद कर दिया है, जिसके बाद एडम ये समझ जाता है कि उसके डैड भी यहीं कहीं टनल में ही होगा। एडम और उसकी मॉम टनल में बिगफुट को आवाज लगाते हैं। बिगफुट जो कि एक जगह टनल में बंद था उसे आवाज आती है। अपनी वाइफ और बेटी की आवाज सुनकर वो हिम्मत जुटाता है और खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उस पर एक प्लेटफॉर्म गिर जाता है। ये सारी आवाजें एडम सुन लेता है और अपने मॉम को लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है। एडम देखता है कि उसके डैड को बहुत चोट आई है, तभी एडम अपने हीलिंग पावर से अपने डैड को ठीक कर देता है। इसके बाद ये तीनों डिसाइड करते हैं कि इन्हें किसी भी तरह से मैंडेट को रोकना ही होगा। तभी सीन को मैंडेट की ओर शिफ्ट किया जाता है, जहां मैंडेट जमीन पर एक बहुत बड़ा होल करता है जिसमें वो एक बॉम्ब लगाता है। ये सारी चीजें एडम और उसके मॉम डैड देख रहे होते हैं और फिर एडम अपने मॉम डैड को मैंडेट का असली प्लान भी बता देता है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, मैंडेट का एक ड्रोन इन तीनों को देख लेता है और फिर ये तीनों भागने लगते हैं और भागते हुए एक लिफ्ट में पहुंच जाते हैं जो कि बंद होता है। तीनों लिफ्ट में होते हैं तभी ड्रोन आकर उस लिफ्ट के वायर को काट देता है, जिसके बाद लिफ्ट तेजी से नीचे गिरने लगता है। बिगफुट उस लिफ्ट को रोकने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रोक पाता। वो लिफ्ट सीधा एक ओपन जगह पर जा गिरती है और फिर ये तीनों एक रेल से बाहर निकलते हैं। ये तीनों देखते हैं कि ड्रोन तो अभी भी पीछा कर रहा होता है। मार्लो ने सारे के सारे ड्रोन इनके पीछे लगा देता है, लेकिन बिगफुट जंप करके एक एक ड्रोन पर गिरता है और उन ड्रोन को खत्म कर देता है और अपने फैमिली के पास पहुंच जाता है। मैंडेट जब ये सब देखता है तो उसे इतना गुस्सा आता है कि वो बॉम्ब का टाइम और भी कम करता है। एडम और उसके फैमिली किसी तरह से बचकर माइन से बाहर निकल जाते हैं। तभी एडम देखता है कि उसके फोन में नेटवर्क वापस आ गया है, जिसके बाद वो एक एक करके सारे वीडियोस अपलोड करने लगता है। इतने में एडम की मॉम की नजर टूटे हुए ब्रिज की ओर पड़ता है। इसके बाद बिगफुट उस कार को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन नहीं रोक पाता और ये तीनों उस कार से जंप करके लेक में गिर जाते हैं। तीनों लेक से बाहर आते हैं और उन्हें पता चलता है कि बॉम्ब ब्लास्ट होने में अब सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं। इसके बाद वो वहां से भागने लगते हैं और फिर सीन में दिखाया जाता है कि एडम बहुत तेजी से भागते हुए उस जगह पर पहुंच जाता है जहां बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला था। वो एक रोप की मदद से बॉम्ब तक पहुंच जाता है और बॉम्ब के स्टॉप वाले बटन को प्रेस कर देता है। एडम के मॉम डैड ये सब देख रहे होते हैं और अपने बेटे पर बहुत प्राउड फील करते हैं, लेकिन मैंडेट ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और फिर साइंटिस्ट कहता है अगर हम एक छोटा सा बॉम्ब उस बड़े से बॉम्ब पर फेंक दे तो हम ब्लास्ट करवा सकते हैं। और फिर मैंडेट मार्लो के साथ बॉम्ब लेकर उस साइड पर पहुंच जाता है और बिगफुट भी अपने पावर की मदद से उनकी सारी बातें सुन लेता है। और फिर सीन को शिफ्ट करके स्क्रैपल एल्वर की ओर सिखाया जाता है, जो अपने टूटी हुई बयान में तेजी से उस ब्लास्ट साइट पर जा रहे होते हैं, लेकिन मार्लो एक डार्ट फेंक देता है जिसकी वजह से स्क्रैपर बेहोश हो जाता है। और फिर वेल्वर किसी तरीके से बयान को मोड़ कर मैंडेट की बयान से टकरा देता है। वो छोटा बम बड़े बम पर गिरने ही वाला था कि तभी बिगफुट आकर उस छोटे बम कर लेता है और हवा में बहुत दूर फेंक देता है और फिर वो छोटा बम तेजी से ब्लास्ट हो जाता है। एडम भी उस होल से बाहर निकल जाता है और सभी एक दूसरे को सेव देकर बहुत खुश होते हैं। फिर हम एक हेलीकॉप्टर को देखते हैं जो कि एक न्यूज चैनल का था और हमें पता चलता है कि एडम के सारे वीडियोस वायरल हो चुके थे। मैंड्रेट और कार्लो ये सब देखकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जंगल के छोटे एनिमल्स और वुल्फ वहां पर आ जाते हैं। एनिमल्स को देखकर मैंड्रेट और कार्लो इतना डर जाते हैं कि डर के मारे उस ऑयल में गिर जाते हैं और फिर गवर्नमेंट सारी जगह से ऑयल को साफ कर देता है और उस जगह को एक वाइल्ड लाइफ डिक्लेयर कर देता है। इसके बाद एक न्यूज चैनल में बिगफुट अपने बेटे के बारे में बताते हुए कहता है कि ये सब कुछ एडम की वजह से ही मुमकिन हो पाया। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि ये सब अपने घर पहुंच गए थे। इमा एडम के गले लगती है, जहां एडम फिर से एक बार इमा को प्रपोज करता है, जिसके बाद इमा एडम को हाँ कर देती है। और इसी के साथ ये मूवी की सेकंड पार्ट यहीं पर खत्म होती है।